हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कॉग्निजेंट की कंप्लीट हायरिंग बताई थी, कंप्लीट प्रोसेस बताया था, जैसे कॉग्निजेंट हायर कर रही है 2025 ग्रेजुएट्स को। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट डिटेल्स, जो जो चीजें, जो जो हमारे राउंड्स होते हैं, सारी चीजें उस वीडियो के अंदर बताई थी। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज दिमाग में रखना कि वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप करोगे तो फायदा नहीं होगा। कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन राउंड, तो आपके हर किसी कंपनी के अंदर, आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे वहां पर मल्टीपल राउंड होते हैं। तो ऐसे कॉग्निजेंट के अंदर जो हमारा राउंड वन है वो हमारा कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, हमारा कम्युनिकेशन राउंड होता है। तो इस राउंड को काफी स्टूडेंट्स हल्के में ले लेते हैं, बट इस राउंड को हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरीके से हमें इस राउंड को क्रैक करना है। अब क्या क्या चीजें कम्युनिकेशन राउंड के अंदर पूछी जाएगी, क्या क्या सेक्शंस आएंगे, कैसे कैसे हमें चीजें वहां पे रखनी है, क्या क्या चीजें हमें वहां पे देखनी है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की नीड भी नहीं पड़ेगी, और आप इजिली कम्युनिकेशन असेसमेंट जो हमारा कॉग्निजेंट का राउंड वन होता है आप इजिली क्रैक कर लोगे। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बहुत फोकसली चीजों को समझना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी कॉग्निजेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट प्लेलिस्ट इस चैनल पे आने वाली है। आपके अभी टेक्निकल असेसमेंट भी होगा, आपका भी इंटरव्यू भी होगा, तो सारी चीजें इस चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगी। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी कॉग्निजेंट की इस चैनल पे आ जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमने एसेंशियल प्रिपरेशन प्लेलिस्ट बनाई थी जिसके हेल्प से काफी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट क्रैक हो चुके हैं। अब उनके इंटरव्यू के लिए मेल आ चुकी है, एंड इंटरव्यू की भी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। तो काफी कंटेंट आपको चैनल पे देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि कितने सेक्शंस हो गए। अब आपके कम्युनिकेशन असेसमेंट के अंदर, कॉग्निजेंट के अंदर तीन सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले हमारा रीडिंग एंड ग्रामर, सेकेंड है हमारा कंप्रेहेंशन एंड लिसनिंग, थर्ड है हमारा स्पीकिंग। तो ये तीन सेक्शन आपके कॉग्निजेंट के अंदर रहेंगे, एंड इनकी टाइमिंग भी बता देता हूँ। 45 मिनट्स के आपका ये आपका राउंड होगा, ये असेसमेंट होगा। तो ये तीन सेक्शन हो गए, एक एक सेक्शन को देखेंगे कि एक एक सेक्शन के अंदर क्या चीजें आएगी, एंड क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, किस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन राउंड थोड़ा सा हमारा ट्रिकी होता है, तो हमें चीजें पता होगी तो हम इजिली क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहला राउंड है, जो सबसे पहला सेक्शन है, ठीक है, राउंड हमारा कम्युनिकेशन असेसमेंट है, उसमें हमारे सब सेक्शन है। एक हमारा रीडिंग एंड ग्रामर, सेकेंड हमारा कंप्रेहेंशन एंड लिसनिंग, थर्ड हमारा स्पीकिंग। तो अब बात करते हैं रीडिंग एंड ग्रामर सेक्शन की। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन दैट अपीयर्स इन कॉग्निजेंट जेएनसी कम्युनिकेशन असेसमेंट एग्जाम। देयर आर फ्यू पैराग्राफ्स इन दिस सेक्शन एंड स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू द होल पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल फॉर्मेट, टेंसेस एंड आर्टिकल, स्पीचेस, थीसिस। अब ये चीज क्या है, सबसे पहला सेक्शन आपका रीडिंग एंड ग्रामर का रहेगा, ठीक है। अब देयर आर फ्यू पैराग्राफ्स इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर कुछ पैराग्राफ्स हो गए। अब आपको उस पैराग्राफ को अपना पढ़ना है अच्छी तरीके से एंड आंसर देना है अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल फॉर्मेट, टेंसेस, आर्टिकल, स्पीचेस। तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन के अंदर अपना ग्रामेटिकल फॉर्मेट, टेंसेस, आर्टिकल, स्पीचेस का काफी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। देयर विल बी ए मल्टीपल क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर, तो काफी क्वेश्चंस हो गए। देयर विल बी ए टाइमर इन एवरी क्वेश्चन, वंस द टाइम एंड्स द एआई विल आस्क यू क्वेश्चन एंड योर पीसी माइक विल टर्न ऑन एंड स्टूडेंट्स हैव टू रिपीट द सेंटेंस विद प्रॉपर ग्रामेटिकल फॉर्मेट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको ध्यान में रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो आपके हर एक सेक्शन के अंदर, मतलब पूरा का पूरा एक टाइमर रहता है, तो आपका टाइमर चलता रहेगा एंड सब सेक्शन के अंदर भी टाइमर रहेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, आपके सब सेक्शन के अंदर भी टाइमर रहता है एंड जो टाइमर चलता रहेगा आपको उस टाइमर के अंदर, सपोज 30 सेकंड रहेगी, आपको करना क्या है इस सेक्शन के अंदर मैं एक बार अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। आपको कोई सेंटेंस मिलेगा एंड आपको कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट्स हैव टू रिपीट द सेंटेंस, आपको उस सेंटेंस को रिपीट करना है। अब इससे कॉग्निजेंट को क्या फायदा है, कॉग्निजेंट आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका ग्रामेटिकल फॉर्मेट, आपके टेंसेस, आप किस वे में स्पीक करते हो, आपकी सारी चीजें देखना चाहता है, इसलिए वो आपसे सेंटेंस रिपीट करवाएगा। तो जो भी सेंटेंस वहां पे गिवन है वो आपको रिपीट करना होगा एंड टाइमर लगे रहते हैं, हर
आपके हर क्वेश्चन पे, जैसे 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन रिपीट करना होगा, तो अपना माइक ओपन करके वो आप क्वेश्चन, आपको जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपको रिपीट करना है। अब क्या चीजें हमें रिमेंबर रखनी है, क्या पॉइंट्स हो गए जो हमें रिमेंबर रखने हैं, रीड द सेंटेंस पैसेज थ्रोली, कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया है तो वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफी स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स है हर सेक्शन के, मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर जरूर बताऊंगा जिससे आप इजिली कम्युनिकेशन राउंड क्रैक कर लो। डू नॉट स्ट्रेस आउट ऑफ बिकॉज ऑफ टाइमर, काफी स्टूडेंट्स टाइमर चलता रहता है तो उससे परेशान हो जाते हैं, तो आपको स्ट्रेस फील नहीं करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद टफ वर्ड्स, अगर कोई टफ वर्ड्स आते हैं तो उनसे कन्फ्यूज नहीं होना है। आंसर विद प्रॉपर ग्रामर, तो जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिया गया है उस फॉर्मेट में ही आपको स्पीक करना है, एंड स्पीक जो करना है वो लाउडली स्पीक करना, जिससे कि वहां पे अच्छी तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग्स हो जाए। एंड जो भी आप ईयरफोन लगा रहे हो उसको पहले चेक जरूर कर लेना, काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या भैया ईयरफोन अलाउ है, तो हाँ आपको ईयरफोन लगा के जो भी आप ईयरफोन यूज कर रहे हो अच्छी कंपनी की, टेस्टेड पहले से उसको टेस्ट कर लेना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे डालना तो एक साइट मिल जाएगी, पहली साइट पे आप ओपन करना, ठीक है। आपको क्या करना है, वहां पे आपको ईयर टेस्ट कर लेना है, अपना ईयरफोन टेस्ट कर लेना है, वहां पे देख लेना है कि जो भी आप बोल रहे हो आपका माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है, 2024 बैच के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि उनकी वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से जो भी उन्होंने बोला वो माइक में रिकॉर्ड नहीं हुआ एंड वहां पे प्रॉब्लम आ गई। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना कि रीड द सेंटेंस, डू नॉट स्ट्रेस आउट ऑफ बिकॉज ऑफ टाइमर, डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद टफ वर्ड्स, आंसर विद प्रॉपर ग्रामर। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, टोटल हमारे 3 सेक्शन आने वाले हैं। सेकंड सेक्शन है हमारा कंप्रेहेंशन एंड लिसनिंग, कंप्रेहेंशन एंड लिसनिंग के अंदर क्या करना है, दिस इज द सेकंड सेक्शन, दिस सेक्शन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन एज वेल बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू लिसन टू शॉर्ट पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, तो दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपको लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन एज वेल बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू लिसन टू शॉर्ट पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, द AI विल डिक्टेट ए शॉर्ट पैसेज और शॉर्ट स्टोरी, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक शॉर्ट पैसेज और एक स्टोरी आपका जो AI है वो आपको बोलेगी, वो डिक्टेट करेगी और आपको आंसर करना है क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चंस होगे तो एट द एंड आपको वहां पे आंसर करना है। तो आपको जो पैसेज है, जो आपके एक बड़ी फॉर्मेट के अंदर जो स्टोरी आएगी, सपोज ये मेरी स्टोरी है, ठीक है, ये कंप्लीट स्टोरी आपको पहले AI बताएगा, तो वहां पे आपकी जो आपकी जो आपको सुनना है, कैचिंग पावर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, हर एक चीज को सुनना, इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस AI आपसे बाद में पूछेगा स्टोरी के खत्म होने के बाद, वे आपको स्पीक करने हैं, उनका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, पे अटेंशन ड्यूरिंग द होल स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट स्टोरी को ध्यान से सुनना, ग्रेस्प द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको अच्छी तरीके से सुन लेना, पेन पे पढ़ ले लेना, पेन पेपर पे नोट डाउन करने का टाइम नहीं रहेगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ नेम्स रहेंगे तो उनको नोट डाउन कर लेना। सो कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी आ चुकी है लास्ट सेक्शन की, स्पीकिंग। ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट राउंड 45 मिनट्स के अंदर होगा, मैं आपको बता देता हूं। दिस इज द फाइनल सेक्शन ऑफ कॉग्निजेंट जेएनसी कम्युनिकेशन असेसमेंट 2025, वेयर यू हैव टू डिक्टेट ए शॉर्ट एसे और पैसेज ऑन प्रोवाइडेड टॉपिक्स, ठीक है। अभी हमारा आपका लास्ट सेक्शन है आपके कॉग्निजेंट का, वेयर यू हैव टू डिक्टेट ए शॉर्ट एसे और पैसेज, आपको किसी एक टॉपिक पे, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको कोई भी एक शॉर्ट ऐसे और पैसेज आपको डिक्टेट करना है। अब इससे पहले, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले एक मैं अनाउंसमेंट आपको करने जा रहा हूं, हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर आपका सेंचर का एग्जाम नहीं हुआ है, असेंचर एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन, इसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, पहले मैं इस सेशन की अनाउंसमेंट कर देता हूं, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन, ठीक है। ये सेशन आपका होने जा रहा है आपका सैटरडे 14 सितंबर में 9 PM टू 10 PM। अब इस सेशन में काफी कुछ चीजें सीखने वाले हैं, एंड अगर आपको असेंचर क्रैक करनी है तो असेंचर की एप्टीट्यूड एंड कोडिंग राउंड कैसे क्रैक करेंगे, कंप्लीट बहुत ऑफ टर्म्स एप्टीट्यूड एंड कोडिंग इसमें कवर करने वाले हैं, कि एप्टीट्यूड कैसे क्रैक करें, क्या क्या चीजें वहां पे पूछी जाएगी, कोडिंग कैसे क्रैक करें, सारी चीजें बताऊंगा
14 सितंबर को इस सेशन होने वाला है, तो इस सेशन को जरूर आप लोग बुक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। प्राइस बहुत मिनिमम है, जस्ट 49 रुपीज का सेशन है, जाके बुकिंग कर लेना। एंड अभी अपकमिंग कॉग्निजेंट के लिए भी हम एक बहुत बड़ा सेशन होस्ट करेंगे, बहुत जल्दी सेशन आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो कम टू द पैटर्न। अब पैटर्न क्या है, देयर विल बी अ टॉपिक ऑन द स्क्रीन, यू विल गेट टाइम टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक एंड देन यू हैव टू डिक्टेट द होल पैसेज और स्टोरी बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। तो अब इस थर्ड सेक्शन के अंदर जो हमारा फाइनल सेक्शन है, इसके अंदर क्या होगा, आपको कंप्लीट पैसेज और स्टोरी किसी एक टॉपिक पे आपको बोलनी है, डिक्टेट करनी है। सपोज आपको कोई भी टॉपिक दे दिया एनवायरनमेंट, सपोज आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, या फिर कुछ भी आपको टॉपिक दे दिया, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस, सपोज ये टॉपिक दे दिया, तो आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा एंड आपको थिंक करने के लिए टाइम भी मिलेगा। देखो, यू विल गेट टाइम टू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड देन यू हैव टू डिक्टेट। उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिक्टेट करना है, चाहे वो आपका 90 सेकेंड्स हो, ठीक है, आपका कितना भी हो सकता है, 1 मिनट 1.5 मिनट, वो वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो आपको डिक्टेट करना है उस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके अंदर क्या पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, यूज और प्रॉपर पंक्चुएशंस। तो पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना, ग्रामेटिकल एरर्स अगर आ गई तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। यूज ऑफ प्रॉपर ग्रामर, ट्राई नोट टू स्टैमर, यूज कंप्लीट सेंटेंस। तो जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, कंप्लीट सेंटेंस बोलना। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर थे। होप्स आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप कोशिश किया है कि आपको चीजें समझ में आ जाए, इसलिए सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है। 3 सेक्शंस इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया था, आपको समझ आ गया होगा, रीडिंग एंड ग्रामर, कंप्रेशन एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इन तीनों सेक्शंस के अंदर आपके क्वेश्चंस होंगे, सारी चीजें मैंने बता दी, पूरी डिटेलिंग में सारी चीजें समझा दी। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।